नमस्कार दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अशोक गहलोत का ऑफिशियली फेसबुक पेज है। और दोस्तों, नई रीट भर्ती 2020 को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे बड़ी घोषणा की है। तो सबसे पहले दोस्तों हम पोस्ट देख लेते हैं, और ये अभी कुछ ही मिनटों पहले ये मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया है, यहाँ पर देखिए करीब 8 मिनट पहले। और यहाँ पर आप आज की मीटिंग की ये फोटो भी देख सकते हैं। तो इसको दोस्तों हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को समय से सरकारी शिक्षक भर्ती का लाभ देने के साथ ही उन्हें विभिन्न नई भर्तियों के माध्यम से उचित अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। और सीएमओ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि सरकार की मंशा है कि शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। इसके अलावा बैठक में तय किया गया कि विगत 2 वर्षों से अध्ययनरत लाखों अभ्यर्थियों के हितों के मद्देनजर तथा जुलाई 2020 से प्रारंभ होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में रिक्त पदों पर व्याख्याता उपलब्ध हो सके, इसके लिए वर्तमान में चल रही 5000 पदों की व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 का आयोजन नियत तिथि पर ही किया जाए। और ये भी निर्णय किया गया है कि आगामी सितंबर माह में नवीन व्याख्याता भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए शीघ्र प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इससे वर्तमान सत्र में अध्ययनरत छात्र भी नई भर्ती के लिए पात्र हो पाएंगे। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग से चर्चा करने पर आयोग ने माह सितंबर 2020 में इस परीक्षा के लिए अपनी सहमति प्रदान दी है। इसके अलावा ये भी तय किया गया है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के, यहाँ पर देखिए दोस्तों, थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 31,000 पदों को भरने के लिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ी बात, 31,000 पदों पर यह भर्ती होगी रीट 2020, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 31,000 पदों को भरने के लिए 2 अगस्त 2020 को आगामी रीट परीक्षा आयोजित की जाए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एग्जाम डेट यानी रीट पात्रता परीक्षा की जो तिथि है वो घोषित हो चुकी है, 2 अगस्त को होगी, 2 अगस्त 2020 को। उसके बाद 31,000 पदों पर रीट की भर्ती होगी लेवल 2 और लेवल 1। इससे बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। जनजाति उपयोजना क्षेत्र TSP के अभ्यर्थियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए इनमें से 6,080 पद TSP क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 31,000 में से करीब 6,000 पद TSP के होंगे, बाकी 25,000 पद नॉन TSP के होंगे, ठीक है। और लेवल 2 की भर्ती के लिए राजस्थान की जानकारी हो, यानी दोस्तों राजस्थान का सिलेबस जुड़ने वाला है, ठीक है। और बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि पहली बार तृतीय श्रेणी लेवल 2 की भर्ती में विशेषज्ञों के चयन के लिए विषय की गहन जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि तृतीय श्रेणी अध्यापक को प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र में अध्यापन करना होता है, अतः उन्हें राजस्थान के बारे में स्वाभाविक रूप से जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए प्रश्न पत्र की विषय वस्तु इस प्रकार तैयार की जाए कि अभ्यर्थियों को राजस्थान के बारे में जानकारी हो। और बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री डोटासरा, शिक्षा सचिव श्रीमती मंजू राजपाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। तो देखिए दोस्तों, रीट के लिए यह अच्छी खबर है, 31,000 पदों पर भर्ती होगी, 2 अगस्त 2020 को रीट पात्रता परीक्षा आयोजित होगी और उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। तो यह दोस्तों आपके लिए अच्छी न्यूज है, जिसमें से 6,000 पद TSP के होंगे और 25,000 पद नॉन TSP के होंगे। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान को भी इसमें महत्व दिया जाएगा, ये भी दोस्तों आपके लिए अच्छी न्यूज है, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।